एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में बहुत बहुत वेलकम है आप सभी लोगों का। तो बस मैं आप लोग के लिए आज ये वीडियो बनाई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये गमले मैंने कहाँ से बनवाए हैं, ये ट्रे कहाँ से बनवाए हैं, कंटेनर कहाँ से बनवाए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं और इसमें रस्ट नहीं लगते हैं क्या। तो मैं आप लोग के इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे गमले हैं कुछ, ये सब जनरली जुगाड़ से ही बने हैं, तो आप ये बनवा सकते हैं। मैंने ये बनवाए हैं और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे एक्चुअल में हॉस्पिटल के फर्नीचर बनते हैं, तो मैंने बहुत ही आसानी से इनको बनवा लिया है, मेरे यहाँ ही बने हुए। तो बहुत सारे बेड जो होते हैं हॉस्पिटल के, मतलब बेकार हो जाते हैं या रिपेयरिंग के लिए आते हैं, तो जो यूजलेस होते हैं उनसे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कूलर जो होते हैं उससे बने हुए हैं ये गमले, जो एसी होते हैं, एसी जैसे पहले कूलर चलते, तो मेरे यहाँ 2-3 रखे हुए थे। तो ये जो आप बड़े वाले ये गमले देख रहे हैं, जो ये ब्लू वाले जिसमें मैंने गाजर लगाई, देखिए, तो उससे भी मैंने बनवा लिए हैं। इसमें जो इसके जो पैर है, तो मैंने थोड़ा सा हाइट ऊंचा ही रखा है पैर का, ताकि आप साफ़ सफाई करने में आपको आसानी हो, नीचे से आप छत को साफ़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो स्टील शीट होती है उससे ही बने हुए हैं सब, मतलब जो लोहे की चादरें आती है जिससे हॉस्पिटल के बेड बनते हैं, उसी से बने हुए हैं। और ये सारे मेरे यहाँ ही बने हुए हैं। अगर और मैं आप लोग को बता दूँ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, काशी से बिलोंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो अगर बनारस से हैं और अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए ये गमले बनवा सकती हूँ, आप मेरे यहाँ गमले बनवा सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं तो आप जहाँ पे आपको फैसिलिटी हो आप वहाँ पे ये बनवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, जैसा आपको चाहिए गमले बनवा सकते हैं। जितनी भी गहराई का चाहें, कम गहराई का, ज़्यादा गहराई का, तो आप बनवा सकते हैं। और लेकिन जब से मैंने ये गमले बनवाए हैं, मुझे बड़ा ही आराम हो गया है गार्डनिंग करने में। और फ्रेंड्स, इसमें भी रस्ट लगता है, क्योंकि जो भी लोहे की चीज़ होती है रस्ट लगेगा। बहुत सारे मेरे गमले जो हैं 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, आप उसमें पेंटिंग करें, मतलब जब आपको लगे कि हाँ रस्ट लग रहा है, तो आप उस पर पेंट करवा सकते हैं। क्योंकि लोहे की शीट है, तो जाहिर है कि पानी पड़ेगा तो रस्ट लगने की पूरी संभावना है। तो मैंने पेंट करवा रखा है, तो बीच बीच में इसकी जो होती है ना, रिपेयरिंग होती रहती है। क्योंकि मेरे यहाँ सुविधा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो आप बनवा सकते हैं, काफ़ी मतलब लाइफ इसकी होती है। 6 साल से मैं बहुत सारे कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, अभी तक बहुत अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी सालों तक चलेंगे। तो एक बार बनवा लीजिए, काफ़ी सालों तक आपको, मतलब आप इसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के लिए बनवाए थे, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैं स्ट्रॉबेरी अभी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी बनवा सकते हैं इस तरह के गमले, तो ज़रूर बनवाएं। अगर आपके लोकल एरिए में जहाँ पे वेल्डिंग वर्कशॉप हो, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, शायद आपके इस तरह के बेड बन जाएं, कंटेनर बन जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बस यही मेरा गार्डन है, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मुझे गार्डनिंग काफ़ी पसंद है फ्रेंड्स। बस देख लीजिए आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा गार्डन। तो ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो एंड करती हूँ।